हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ एक और न्यू ट्यूटोरियल के साथ। एंड पिछली वीडियो में हमने ओनली फेस को सेट किया था एंड इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हो हेयर में मैंने सबसे पहले इंडेंटिंग टेक्निक का यूज किया है। एंड इंडेंटिंग टेक्निक का यूज कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लेना। सो हेयर में आप लोग देख सकते हो सबसे पहले मैंने HB पेंसिल के साथ स्ट्रोक चलाए, एक एक लेयर एक एक स्ट्रोक में चला रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैं ब्रुष्टो की ग्राफिट पेंसिल यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसे सेट कर रहा हूँ। जहाँ पर लाइट है वहाँ पर मैं लो प्रेशर का यूज करता हूँ, जहाँ पर डार्क है वहाँ पर मैं हाई प्रेशर का यूज करता हूँ। तो ऐसे ही मैं अच्छे से सेट कर दूंगा, देन उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना, फिर उसके बाद रिजर की हेल्प से हाईलाइट वगैरह दूंगा तो बिल्कुल रियलिस्टिक बन जाएगा हम लोगों का हेयर। एंड आप लोग भी साथ ही ड्रॉ करो और कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी जहाँ पर मुझे लगे मुझे बताना चाहिए वहाँ पर मैं बताऊँगा। और जिनको नहीं पता कि ट्रिगर इंसान की जो सीरीज लेके आए हैं वो लगभग 3 पार्ट में है, 2 पार्ट सेटिंग के और 1 पार्ट आउटलाइन का। जिन्होंने भी स्टार्टिंग से ड्रॉ नहीं किया है, जो ड्रॉ करना चाहते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले आउटलाइन वाला वीडियो देखना, फिर उसके बाद पार्ट 1 सेटिंग देखना और ये जो हमारा पार्ट 2 है अभी का, फिर ये वीडियो देखना। इस तरह करके आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीख कर ड्रॉ कर पाओगे। तो वैसे आप लोग देख सकते हो हेयर में मैंने हाईलाइट दिए हैं हेयर की डायरेक्शन में, सेम आपको भी हाईलाइट के लिए हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक चलाने हैं। तो मोमोनोजीरो इरेजर एंड इलेक्ट्रिकल इरेजर का यूज करके हाईलाइट से हमारे हेयर काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगने लग जाएंगे। तो अब बारी है बैकग्राउंड की, एंड बैकग्राउंड में काफी डार्क है, यहाँ पर तो मैं सीधा चारकोल पाउडर एंड कैमलिन चारकोल पेंसिल यूज करूंगा, देन उसको मैं ब्लेंड कर दूंगा। आप लोग चाहो तो बैकग्राउंड को छोड़ भी सकते हो, बट बैकग्राउंड ड्रॉ करने से आर्ट वर्क और भी ज्यादा रियलिस्टिक और अच्छा लगने लग जाएगा। बैकग्राउंड में कहीं पर बिल्कुल डार्क है, कहीं पर बिल्कुल लाइट। सो डार्क वाले एरिया में मैंने चारकोल यूज किया है एंड लाइट वाले एरिया में ग्राफिट की लाइट पेंसिल को यूज करूंगा। आप लोग ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ कर सकते हो, बट बिगिनर को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज जो अभी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना सीख रहे हैं उनके लिए सबसे मेन सब्जेक्ट है फेस है, ना कि ऑब्जेक्ट। सो बिगिनर ड्रॉ मत करना बैकग्राउंड।
एंड गाइस ये जो क्लोथ वाला पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो यहाँ पर मैं चारकोल पाउडर एंड कैमलिन चारकोल पेंसिल का यूज़ करके पूरा डार्क कर दूंगा। और जो लाइट वाला पार्ट है वहाँ पर मैं पेंसिल यूज़ नहीं करूँगा। तो आप लोग देखो वीडियो को और ड्रॉ करो। तो गाइस फाइनली कंप्लीट होने को है। एंड आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप लोग ड्रॉ कर रहे हो या नहीं। एंड जो भी व्यूवर्स हैं लाइक फर्स्ट टाइम हो या रेगुलर हो, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्दी से जाकर कर लेना एंड बेल आइकन को भी ऑल पर कर देना, बिकॉज इस चैनल पर मैं काफ़ी बेहतरीन ट्यूटोरियल लाता हूँ जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और अमेजिंग ट्यूटोरियल के साथ। और अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।